अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी लिखेंगे माना पी एन कॉलन कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा इंटू डॉट 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 कॉस टू का पावर एन माइनस वन इंटू थीटा, है ना, बराबर में है साइन टू का पावर एन थीटा और बटा में टू का पावर एन साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या रहेगा आपका स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट जब एन बराबर वन, तो एन बराबर वन यानी एक बार एलएचएस लेंगे, एलएचएस में इसको लेंगे ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस टू का पावर वन माइनस वन इंटू थीटा, यानी कॉस टू का पावर जीरो और थीटा, यानी इसका तो वैल्यू वन हो गया है, बच जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। आरएचएस लेते हैं है साइन टू का पावर वन हो जाएगा नया और थीटा, यानी कि साइन टू थीटा हो जाएगा और नीचे टू का पावर वन साइन थीटा, देख रहे हैं ना यहाँ भी वन रख दिए। तो ऊपर साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे है पहले से टू साइन थीटा, तो ये दोनों तो कट गए ना, आपका कॉस थीटा बच गया, यानी यहाँ एल एच एस बराबर में आर एच एस आ गया ना, यानी कि पी वन जो है अपना आपका सत्य है, पी वन सत्य है। अब क्या लिखना होगा स्टेप सेकंड, माना कि पी के सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे जहां जहां एन है वहां वहां के ले लेंगे, यानी आ जाएगा पी के कॉलन कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा डॉट 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 इंटू कॉस टू का पावर के माइनस वन थीटा बराबर में साइन टू का पावर के माइनस वन थीटा बटा में साइन का पावर के माइनस वन है कि के है सिर्फ, अच्छा साइन का पावर सिर्फ के आएगा, सॉरी इसको सुधार देते हैं। चलिए के थीटा और बट्टा में टू का पावर के साइन थीटा, समझ गया ना, जहां जहां यहाँ एन था वहां वहां यहाँ क्या कर लिए के ले लिए, और इसको समीकरण एक मान लेंगे ना। चलिए अब क्या लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है कि पी के प्लस वन सत्य है, है ना। अब क्या करेंगे के की जगह के प्लस वन ले लेंगे, चलिए आ जाएगा इधर कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा इंटू डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा कॉस का पावर टू, सॉरी कॉस टू का पावर, यहाँ देखिए के की जगह जब के प्लस वन लेंगे तो यहाँ से प्लस वन और माइनस वन तो कट जाने हैं, तो प्लस वन आएगा और ये पहले से माइनस वन है तो कट जाएगा, यानी सिर्फ के बच जाएगा थीटा, और इधर हो जाएगा आपका साइन का पावर साइन इंटू टू का साइन टू का पावर के की जगह आ जाएगा के प्लस वन थीटा, है ना, और बटा के नीचे आ जाएगा यहाँ टू का पावर के प्लस वन साइन थीटा, यही ना, बस के की जगह क्या लिख दिए दोनों जगह के प्लस वन ले लिए, यानी इसको आपको साबित करना है, ये समीकरण दो को साबित करना है। अब क्या लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, तो इसका अगला पद क्या होगा जब के की जगह के प्लस वन रखिएगा तो अगला पद आ जाएगा आपका यहाँ सिर्फ के बच जाएगा, यानी दोनों तरफ कॉस टू का पावर के थीटा से गुना करने पर, ठीक है ना, आपको पता है कैसे गुना करना है इसमें, तो इधर भी करेंगे इसमें समीकरण एक में और इधर भी करेंगे, यानी हो जाना है कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा डॉट 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 इंटू में है कॉस टू का पावर के माइनस वन थीटा इंटू कॉस टू का पावर के थीटा, ठीक है, और बराबर में इसी को लिखेंगे साइन टू के, है ना, टू का पावर के बाई थीटा
और यहाँ नीचे होगा 2 का पावर k साइन थीटा इनटू में कॉस 2 का पावर k थीटा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें समीकरण 3 में ये वाला चीज तो नहीं है, तो इसके पहले वाला टर्म यही होगा, ये कम करिएगा ना k में से, तो यहाँ इनटू में आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस 2 का पावर k-1 इंटू थीटा। चलिए समझ रहे ना, ये इंटू में इसके पहले वाला है ना, इसके पहले वाला टर्म यही ना होगा, एक के जगह एक कम करिएगा, पावर में जब एक कम करिएगा तो यही ना आएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, तो LHS तो ठीक ही है, इसको सॉल्व करके ये समीकरण जो 2 में है ये वाला लाना होगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें बहुत ही ये सिंपल चीज है, ऊपर 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, इंटू कॉस 2 का पावर k थीटा बटा 2 into 2 का पावर k साइन थीटा। देखिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए ना, तो ऊपर फॉर्मूला आ गया 2 sin theta cos theta, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 और थीटा की जगह है 2 का पावर k थीटा। और नीचे देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर k है, तो हो जाएगा 2 का पावर k+1 साइन थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ भी पावर में 1 है, यहाँ इसका पावर k है, तो ये भी जुड़ जाएगा। चलिए यानी हो जाएगा इधर भी ऊपर साइन 2 का पावर k+1 थीटा और बटा में 2 का पावर k+1 साइन थीटा। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः पी के सत्य होने पर पी के प्लस वन भी सत्य होगा। इसलिए सभी प्राकृत संख्या n के लिए pn सत्य है। ये आपका सत्यापित हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन